कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम आ चुके हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग मिथ्स की वीडियो लेकर, जिसमें हम पबजी मोबाइल लाइट के टॉप 10 न्यू इंटरेस्टिंग मिथ्स ट्राई करने वाले। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना विदाउट एनी स्किप। और गाइस, अगर आप लोग के पास ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग फनी मिथ्स हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में पिक जरूर करूंगा। और गाइस, अगर यहाँ पर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है वो भी ऑल बटन पर स्विच कर देना, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लगा सबसे पहला मिथ, और गाइस इसमें हम सेकंड वाला मिथ ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस, स्टेप वन नेट को टॉस करो, स्टेप टू नेट को टॉस करते ही गाड़ी में ड्राइव या गेट इन करो। इसके बाद देखो गाइस, स्टेप थ्री नहीं है डायरेक्ट स्टेप फोर। स्टेप फोर में बोल रहा है कि गाड़ी में बैठते ही तुरंत फिर से नेट टॉस करो और फिर देखो जादू। मैजिक देखने के लिए बोल रहा है, तो चलो देखते हम क्या मैजिक होते इधर। तो गाइस, आप लोग तो देख ही रहे हो कि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं ताकि कुछ हो जाए। ड्राइव बटन पर क्लिक करने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद देखो, गेट इन बटन पर क्लिक करने के बाद लास्ट में जाकर एक देख सकते हो मैजिक जैसा हुआ हाथ। मतलब गाइस, जो ग्रेनेड है वो मेरे हाथ से अपने आप ही चला गया, मतलब छूट गया देख सकते हो मेरे हाथ से। तो भाई साहब का कहना सही था, थोड़ा सा तो मैजिक हुआ। तो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चला गया अगला मिथ, और गाइस इसमें भाई साहब ये बोल रहे कि पेलोड मोड में हम जब भी हेलीकॉप्टर के ऊपर कुछ सामान ड्रॉप करते तो वो सामान हमें नजर नहीं आते। मतलब क्या ही बोल रहे हो भाई साहब, सामान नजर नहीं आते। तो चलो देखते हैं कैसे नजर नहीं आते सामान, ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस, आप लोग तो देख ही रहो कि हम पूरा का पूरा सामान ड्रॉप कर दिया इधर। मेरे पास जो भी था इधर देख सकते हो, मैं सब ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सही में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देख सकते हो। ऊपर जितने भी सामान मैंने ड्रॉप किया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एकदम नीचे चला गया। भाई सबका कहना सही था, कुछ भी सामान दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चलो गाइस, अगला मिथ, और गाइस इसमें ये बोल रहा है कि हम लॉबी में गाड़ी में बैठ कर, मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठ के हम आउटफिट चेंज नहीं कर सकते। अरे सही में ऐसा हो रहा है क्या, सही में आउटफिट चेंज नहीं कर सकती क्या ड्राइविंग सीट पर बैठ के? तो चलो देख लेते हैं ट्राई करके क्या होते हैं, मतलब चेंज कर पाते कि नहीं। तो गाइस देखो, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देख सकते हो सीट चेंज किया, सीट चेंज करने के बाद जैसे ही क्लॉथ्स चेंज किया, मतलब जो आउटफिट है वो चेंज किया, वो तुरंत चेंज हो गया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठ के चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई साहब का कहना बिल्कुल सच था, मतलब सही था। दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चलो गाइस, अगला मिथ, भाई साहब ये कह रहा है कि सिंह डेल्टा के पास वाले टावर पर जाकर ग्रेनेड फेंको, फिर कीबोर्ड यूज़ करो, और इस करने के बाद फिर देखो आगे। क्या ही बोल रहा हूँ, आगे क्या देखना है? तो चलो देखते आगे, कुछ लिखा नहीं है तो चलो देखते क्या होते आगे। तो भाई साहब क्या ही बोलूँ आपको, कुछ बोल नहीं सकता, जैसे कि आपने कुछ आगे लिखा नहीं था, ऐसे ही दिस मिथ इज। तो चलो गाइस, अगला मिथ, और ये भाई साहब ये कह रहा है कि स्मोक थ्रो कर और उसका डिब्बा घूमेगा। तो चलो घूमते कि नहीं देखते। हाँ गाइस, देख सकते हो स्मोक थ्रो करने के बाद, मतलब फेंकने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है देख सकते हो, जब स्मोक होने लगता है तब वो जो बोतल है, मतलब डिब्बा जो है वो घूमने लगता है। तो भाई साहब का कहना बिल्कुल सही था, दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चलो गाइस, अगला मिथ, और गाइस देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा मिथ लग रहा है। तो चलो गाइस, कोई ना, हम पढ़ते हैं इसको पहले। पहले स्टेप वन पे लिखा है कि पेलोड मोड पे स्टार्ट करो, मतलब पेलोड मोड पे जाओ। स्टेप टू एक दो फ्रोजन एग लो, स्टेप थ्री प्लेन लो, स्टेप फोर अब प्लेन को, मतलब ये बोल रहा है कि प्लेन के अंदर फ्रोजन एग थ्रो करो, स्टेप फाइव अब प्लेन को फ्लाई करो, मतलब बोल रहा है कि शायद उड़ाओ, उड़ाने के लिए बोल रहा है। रिजल्ट क्या होगा वो लिखा है कि ऐसा करने से जितने देर तक फ्रोजन एग रहेगा तब तक आप प्लेन को उड़ा नहीं पाओगे। अरे
सही में क्या? तो चलो देखते हैं, हम गाड़ी तो ब्लास्ट हो जाते हैं और प्लेन को उड़ा नहीं पाएंगे, ये क्या बोल रहे हो? तो चलो प्लेन ब्लास्ट होते या उड़ा नहीं पाएंगे वो देखते हैं पहले। आप लोगों को क्या लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और हम देख सकते हो प्लेन के अंदर फ्रोजन एक को थ्रो कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं, मतलब आगे देखो आप लोग क्या होते हैं। हाँ गाइस, आप लोग तो देख ही रहे हो, मतलब हम बहुत देर तक, क्या बोलो गाइस, बहुत देर तक प्लेन को ट्राई किया उड़ाने का, कोशिश किया लेकिन गाइस कुछ नहीं कर पाया, उड़ा नहीं पाया। इतने देर में तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है अगर ड्राइविंग सीट पे बैठता तो। भाई साहब का कहना सही था, बिल्कुल सही था, दिस में दिस कन्फर्म्ड। तो चला गया अगला मित्र, और गाइस इसमें हम दो नंबर में ट्राई कर रहे हैं, और इसमें ये लिखा है कि हम कोई भी घर के अंदर जो बॉक्स रहता है, मतलब बॉक्सेस जो रहता है, जो भी बॉक्स रहता है घर के अंदर, उस बॉक्स के ऊपर अगर चढ़ जाए और कोई भी अगर नेट फेंकेगा, नेट थ्रो करेगा, तो हमें 0% भी डैमेज नहीं होगा। तो भाई साहब जैसे बोला ऐसे ट्राई करके देखते हैं, उसे मतलब 0% भी डैमेज होते ही कि नहीं वो देखते। तो चलो गाइस हम फर्स्ट ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो फर्स्ट नेट ग्रेनेड जो है वो पड़ते ही हम पूरा 0% डैमेज किया, पूरा नॉक्ड हो गया। तो चलो गाइस दूसरे बार ट्राई करके देखते हैं, शायद इस बार कुछ गलती हुआ है इसलिए नॉक्ड हो गया। तो चलो दूसरे बार भी देखते हैं क्या होता है इधर। तो गाइस देख सकते हो दूसरे बार भी हम ट्राई किया और इसके बाद भी हम नॉक्ड हो गया, मतलब बॉक्स के ऊपर चढ़ा था, मतलब मैं चढ़ा था और इसके बाद भी मैं नॉक्ड हो गया नेट फटती। तो गाइस आप लोग अगर चढ़ जाओगे, कोई अगर नेट थ्रो करेगा, आप 0% डैमेज नहीं लोगे, पूरा का पूरा नॉक्ड हो जाओगे। तो ऐसा मत करना, भाग जाना घर से। मेरा कहने का मतलब यही कि गाइस आप ग्रेनेड के सामने मत रहना। तो दिस मिथ इस बस्टेड अगला में। तो अरे भाई साहब ये बोल रहा है कि BRDM के गाड़ी के, मतलब BRDM गाड़ी के ऊपर AWM के 20 बुलेट चलाओगे तो वो पूरे BRDM पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। सही में ब्लास्ट हो जाएगा कि? आप लोगों को क्या लगता है गाइस कमेंट करके जल्दी बताओ, और किस किस को लगता है कि ब्लास्ट नहीं होगा वो भी बताओ। तो चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं ब्लास्ट कर पाते कि नहीं। तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि गाइस हम BRDM के ऊपर AWM चला रहे हैं, मतलब AWM चला रहा हूँ और वीडियो थोड़ा बहुत ही फास्ट चल रहा है, क्योंकि गाइस नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो गाइस लास्ट में जाकर 20 MOE लगता है, मतलब इसको ब्लास्ट करने के लिए पूरा का पूरा 20 MOE लग जाता है इसको ब्लास्ट करने के लिए। तो भाई साहब का कहना बिल्कुल सही था, दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चला गया अगला मित्र, ही वाले मित्र पर भाई साहब ये कह रहा है कि स्पॉन आइलैंड पर जो टूटे फूटे प्लेन रहे, मतलब प्लेन जो है उसके ऊपर मिराडो को चढ़ाना, मतलब उठाना मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है गाइस इसके ऊपर चढ़ाना, जो प्लेन है उसके ऊपर मिराडो को चढ़ाना मुश्किल है क्या? आप लोगों को क्या लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और हम भी दिखाते हैं कि मुश्किल है कि नहीं। तो गाइस आप लोगों ने तो देखा ही, जहाँ मतलब स्पॉन रहता है जो मिराडो गाड़ी, वहाँ पर स्पॉन जो रहता है वहाँ से अगर आओगे तो इसको चढ़ाना एकदम मुश्किल नहीं है, मतलब एकदम क्या ही बोलो, एकदम इजीली चढ़ जाएगा। और इसके बाद अगर ऑपोजिट साइड से मिराडो को ले आओगे तो देख सकते हो कितना मुश्किल है, नहीं चढ़ मतलब चढ़ा पाओगे। देख सकते हो ऑपोजिट साइड से ले आओगे तो इसको नहीं चढ़ा पाओगे, जितना भी कोशिश कर लो बहुत टाइम लगेगा चढ़ाने में। तो भाई सबका कहना भी बिल्कुल सही था, इसका ऊपर चढ़ाने के लिए मुश्किल रहता है कभी कभार। तो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। तो चला गया अगला अमित भाई साहब, ये लिखा है कि देख सकते हो स्टेप वन अब पेलोड मोड स्टार्ट करो, स्टेप टू प्लेन को उड़ाकर मतलब फ्लाई करके डाशिया के कार के ऊपर, मतलब जो डाशिया कार है उसके ऊपर लैंड करो, रिजल्ट अब जब डाशिया कार को चलाने लगोगे तब आप प्लेन को भी साथ ले जा सकते हो अपने साथ। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, मतलब जो डाशिया है इसको चलाओगे और प्लेन भी साथ में जाएगा, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जल्दी बताओ वो होगा कि नहीं। और तो चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं ऐसा होते ही कि नहीं। हाँ गाइस देख सकते हो एकदम बिल्कुल सही था, ऐसा करने से प्लेन भी साथ में जा रहा है, प्लेन को भी ले जा सकते हो गाड़ी के ऊपर बैठा के। तो भाई सबका कहना बिल्कुल सही था। तो गाइस दिस मिथ इज कन्फर्म्ड टू 100 है। तो बताना, और गाइस अगर आप लोग के पास ऐसे इंटरेस्टिंग मिथ्स हो न्यू वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में फिक्स जरूर करूंगा। और अगर यहाँ पर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल बटन पर स्विच कर देना। तो चलो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।